Hi, मैं हूँ मोहित मदान एंड आई विश एवरीबडी अ मेरी क्रिसमस एंड आने वाला साल आपका शुभ रहे जी। अभी अभी रिसेंटली अक्सर 2 रिलीज़ हुई। फर्स्ट थैंक यू सब दर्शकों को कि आपको वो फिल्म पसंद आई एंड उसमें सब एक्टर्स का काम भी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया और सबसे ज़्यादा मेरा काम भी आपने अप्रिशिएट किया, सो थैंक यू वेरी मच। एंड अभी आने वाले टाइम में 2-3 फिल्में लाइंड अप हैं, फेसबुक पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इश्क तेरा विल बी अनाउंस सून, उसकी डेट कब आने वाली है एंड उसके आगे एक म्यूज़िक एल्बम भी है और फिल्म की शूटिंग भी है, तो वो सब धीरे धीरे जो चीज़ें आती रहेंगी। आई होप 2018 मेरे लिए भी अच्छा रहे। अक्सर 2 तो आपको जैसे पता है पहली अक्सर भी जो थी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, तो उसमें अच्छे गाने थे, अच्छी एक सस्पेंस स्टोरी थी। तो अक्सर 2 में भी यही था, वी हैव ज़रीन खान, गौतम रोड़े, अभिनव शुक्ला, लिलित डुबे, श्रीशांत। तो अक्सर 2 में भी यही था कि हर कोई पैसे के पीछे पड़े, एक सस्पेंस थ्रिलर है, आपको पता नहीं चलता क्या होने वाला है, लेकिन जब धीरे धीरे कहानी खुलती है आपको पता चलता है वो मेरा प्लान है, मेरा मतलब मेरे कैरेक्टर मेरे किरदार का प्लान है बच्चन सिंह का। तो वो एक ट्विस्ट एंड टर्न आया फिल्म में, तो धीरे धीरे इतने सारे ट्विस्ट खुले, कन्फ्यूजन से फिल्म भरी हुई थी, गाने भी अच्छे थे एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों को मेरा काम भी पसंद आया, सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और भी अच्छे अच्छे काम मैं करते रहूँगा जी। मेरा संघर्ष तो चल रहा है, आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में अलग संघर्ष होता है। जैसे मैंने कहा हर चीज़ का देखने का नज़रिया होता है, मेरे लिए संघर्ष शायद अलग होगा, आपके लिए शायद अलग हो, किसी और के लिए अलग हो, वो आप मेजर नहीं कर सकते ना कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जी ये इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है, आपको ऑन द टोज हमेशा रेडी रहना होता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कोशिश करते रहो, लगे रहो और कभी भी आपके पास कोई भी अच्छा काम आ सकता है। और लेकिन फिर उसके बाद दर्शकों के हाथ में होता है कि आपकी फिल्म कैसे चले या आपका काम उनको कितना पसंद आए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री से बाहर मेरे आइडल है मेरे फादर एंड इंडस्ट्री में शाहरुख खान, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी भी थोड़ी बहुत समझी है। मैं भी किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है।